गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड में आपको जो हमारा चैप्टर चल रहा है सरकार के बारे में, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें बच्चों हम बात कर रहे हैं सरकार और कानून। बच्चों जो सरकारें होती है वो कानून बनाती हैं, ठीक है, और कानून जनता के लिए बनते हैं कानून, और जनता जो है उन कानूनों का पालन भी करती है, ठीक है। तो जनता जो है सरकार के बनाए कानूनों को मानती है। सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, ताकत होती है, और एक उसके पास ताकत और होती है कि जो लोग कानून नहीं मानते हैं उनको कानून का पालन कराने के लिए वो प्रेशर डाल सकती है, बाध्य कर सकती है, और जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उनको जुर्माना या दंड भी देना पड़ता है। ये ताकत किसके पास है बच्चों? सरकार के पास। पर नागरिकों को अगर ये लगता है कि भाई उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है या उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है, तो उनके पास भी ताकत है, उनके पास भी न्यायपालिका के पास जाने का एक रास्ता है जहां पे जाकर के वो अपनी बात को रख सकते हैं, वहां उनको न्याय भी मिलता है। अगर उनके कोई अधिकारों का जो है हनन होता है, उनको जो अधिकार सरकार से मिलते हैं अगर उनको पालन करने के लिए जो है रोक टोक होती है, तो वो उसके लिए ताकत रखते हैं अपने बात को मनवाने के लिए। अब यहाँ पर हम दो प्रकार की व्यवस्था की बात करें, एक तो लोकतंत्र और एक राजतंत्र। लोकतंत्र जो अपने देश में अपन देखते हैं कि पहले यहाँ की पढ़ लेते हैं। देखिए लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन, जिसमें जनता के पास नेता चुनने की शक्ति होती है। जब चुनाव होते हैं तो विभिन्न दल अपने अपने लोगों को चुनाव में खड़ा करते हैं और जनता उनको जाकर के वोट देती है। ये क्या कहलाता है बच्चों? वयस्क मताधिकार। 18 वर्ष से ऊपर के जो भी स्त्री पुरुष किसी भी लिंग उम्र जाति धर्म के लोग जो हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, जो देश में रह रहे हैं, उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है और वोट के जरिए वो अपनी सरकार को चुनते हैं। जबकि जो राजतंत्र होता है इसमें किसी एक राजा का या रानी का ही शासन होता है और राजा के पास ही सारे अधिकार होते हैं, सारे निर्णय लेने की ताकत उसके पास ही होती है, उसको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके पास एक सलाहकारों का समूह जरूर होता है जिनसे वो राय ले सकता है, पर वो राय लेने के लिए उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, वो अपने स्वयं निर्णय ले सकता है। किंतु लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता की राय पूछी जाती है, जनता की राय का सम्मान किया जाता है और जनता को सरकार अपने सब जो है बातें बताती है, जनता को ये जानने का हक है। जबकि यहाँ पर जो है जनता को निर्णय या कोई सफाई जो है नहीं दी जाती है, राजा रानी का निर्णय ही सबसे प्रमुख होता है। तो चुनाव में जनता शासक चुनती है और जो भी निर्णय है वो जनता को जानने का हक होता है। एक पारदर्शिता रखी गई है और एक कानून में बनाए गए हैं जिसमें जनता जान सकती है कि सरकार क्या कर रही है, क्या निर्णय ले रही है, और जो जानने योग्य चीजें हैं वो जनता को बताई भी जाती हैं। तो यहाँ पर तो बच्चों होता है वंशवाद, मतलब राजा है तो राजा के बाद उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, एक पूरी परंपरा है। किसी बाहरी आम आदमी को चुनाव में या सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता, चुनाव तो होते नहीं, यहाँ पर राजाओं का शासन। जबकि यहाँ पर कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति, ठीक है, ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। यहाँ पर बिना इन लोगों के जो कहना चाहिए इजाजत के, परमिशन के, कोई भी व्यक्ति जो है अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। तो ये अंतर यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो अपना लोकतंत्र बच्चे उसको प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, मतलब यहाँ पे जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। पहले अपने किसी प्रतिनिधि को चुनती है वो, और वो प्रतिनिधि जाकर के फिर सत्ता में अपनी जो है सरकार बनाता है और सरकार फिर जो है जनता के ऊपर शासन करती है। मतलब जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र, प्रजातंत्र भी कहते हैं इसको। बच्चों शुरुआत में वयस्क मताधिकार में बहुत सारे अगर अपन देखे देशों में हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल जो अमीर लोग होते थे वो भी, इसमें केवल पुरुष जेंट्स उनको ही मतदान करने का अधिकार होता था, स्त्रियों को मतदान करने का अधिकार नहीं था। जो गरीब थे, अशिक्षित थे, ठीक है, संख्या में कम लोग थे, इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, केवल अमीर लोगों के निर्णय ही सुने जाते थे, उनकी बात सुनी जाती थी। तो जो केवल अमीर है ना, उनको ही, जो संपत्तिवान है उनको ही वोट देने का अधिकार होता था, औरतों को, गरीबों को, अशिक्षितों को, इनको अधिकार नहीं था। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था शुरू में, अपने आप ही अगर अपन देखते हैं कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो गांधी जी ने इस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा इस बात से बड़ा दुख होता है कि जिसके पास संपत्ति है उसको ही वोट देने का अधिकार है, जो बेचारा गरीब आदमी है, जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जो अपना पसीना बहा रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, उसको इतना बड़ा अधिकार नहीं मिल रहा है।
तो वो इस बात से बहुत दुखी थे और उसको ये अन्यायपूर्ण मानते थे। और उन्होंने एक पुस्तक, एक पत्रिका थी यंग इंडिया, उसमें 1931 में अपनी बात को रखा था कि ये गलत है, सभी को मतदान करने का हक होना चाहिए। तो ऐसे ही अमेरिका और यूरोप में महिलाओं ने आंदोलन किए थे, ठीक है, मतदान के करने के, वोट को हासिल करने के लिए। इसको कहते हैं सफ्रेज आंदोलन, सफ्रेज है वोट, वोट देने का अधिकार। और इन्होंने, जनता ने, जो खासतौर पर महिलाएं हैं, इन्होंने अपने लिए मांग रखी कि हमको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और कहीं कहीं इन्होंने अपने आप को जंजीरों में बांध करके और ऐसा प्रदर्शन किया कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। और उस समय क्या था कि यहाँ प्रथम विश्व युद्ध के समय में सारे पुरुष तो युद्ध में चले जाते थे, तो उनके कार्य कुछ ऐसे थे जिनको करने के लिए महिलाओं को बुलाया गया। और महिलाओं ने जब उनके कार्य बखूबी कर लिए, बहुत अच्छे से कर लिए, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, ये ऐसे काम भी कर सकती है महिला, इतने कठिन श्रम वाले काम भी कर सकती है, इतने बड़े बड़े काम भी कर सकती है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उनको लगा कि हाँ, ये महिलाएं जो है सक्षम है। तब जाकर के फिर अमेरिका यूरोप में 1920 में अमेरिका में और 1927 में यूरोप में महिलाओं को क्या दिए गए, अधिकार दिए गए। और तब से ये एक महिला आंदोलन की बात आती है यहाँ पर। तो ये जो सरकार है बच्चों, ये विभिन्न प्रकार के शासन के अंगों के द्वारा कार्य करती हैं। और आपने जैसे देश की बात करें तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, तीन प्रकार की सरकारें हैं और ये इनके विभिन्न जो शासन के अंग हैं उसके जरिए वो काम करती है। इसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कानून नहीं मानता है उसको दंड का प्रावधान रखती है। तो इस तरह से सरकारों के जो है कामकाज जो है किए जाते हैं। तो सरकार और उसका कार्य कैसे होता है, कैसे कानून बनाती है, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र राजतंत्र में अंतर क्या है, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे अपना पूरा सरकार के बारे में आता है। आपको यहाँ देखिए दिख रहा होगा, देखिए अंतर देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है।